हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। आज वो समय आ गया है कि आज हम ईसीसी स्टार्ट करने वाले हैं। शुभ शुरुआत कर देते हैं आज ईसीसी के सम्स की। तो सबसे पहले हम चैप्टर वन के सम्स स्टार्ट कर देते हैं। चैप्टर वन के अंदर आज हम परफॉर्म करने वाले हैं 1.5 वाले जो टॉपिक के सम्स है वो, ठीक है, जिसमें हमें फाइंड सेलिंग प्राइस, कैटलॉग प्राइस, ये सब प्राइस क्या होते हैं। तो 13, 14, 15 तीन सम्स आज हम परफॉर्म करने वाले हैं बैक टू बैक। वीडियो को एंड तक देखिए, ठीक है। और जिस जो भी पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहा है उनको मैं बता दूं कि जो आप पीडीएफ आपके सामने दिख रहे हो, आपको जो पीडीएफ आपके सामने दिख रही है उसको डाउनलोड अगर आपको करना है तो उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां जाके आप डाउनलोड कर लीजिए। और दूसरे भी सब्जेक्ट सारे जो आईएमपी क्वेश्चंस है उसकी भी पीडीएफ अपलोड हो चुकी है नेट पे, तो वहां उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां जाके डाउनलोड कर लीजिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये जो चैनल है आपको बहुत बहुत काम आ सकती है इन फ्यूचर। ओके, चलिए सम को स्टार्ट कर देते हैं फटाफट। तीन सम हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम 13 वाला सम्स करेंगे। ओके, तो देखिए हमारे सामने है 13। अभी कोई भी सम करने से पहले आपको थोड़ा जो कॉस्ट है ना, सारी कॉस्ट किस तरह से कैलकुलेट होती है फैक्ट्री के अंदर वो आपको जानना जरूरी। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आप क्या आता है याद रख लीजिए, स्टेप सारे याद रखने। सबसे पहले आता है प्राइम कॉस्ट, ठीक है। तो प्राइम कॉस्ट के अंदर आपको जो भी हमारे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ओके, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या होता है, जो भी मटेरियल डायरेक्टली जो फिनिश प्रोडक्ट का हिस्सा बन जाता है वो होता है डायरेक्ट मटेरियल। तो जो भी डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है, रॉ मटेरियल वो सब, और फिर डायरेक्ट लेबर है ना, जो भी डायरेक्ट लेबर होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं काम में, मशीन पे काम करते हैं, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए काम करते हैं, वो सारे उसमें जो खर्चा जाता है वो डायरेक्ट लेबर, प्लस जो भी अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो डायरेक्टली लागू पड़ते हैं उस प्रोडक्ट को कंप्लीट करने में, उस प्रोडक्ट को फिनिश प्रोडक्ट बनाने में, ठीक है। तो सबसे पहले हमें प्राइम कॉस्ट इस तरह से निकाल लेनी होती है। प्राइम कॉस्ट के बाद एक और कॉस्ट आती है फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट। तो फैक्ट्री कॉस्ट आप अगर ये जो प्राइम कॉस्ट है, अभी मैं शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है। देखिए मैं शॉर्ट में कौन सी चीज़ को क्या क्या लिखने वाला हूँ ये बता देता हूँ। दिस इज प्राइम कॉस्ट, दिस इज डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, दिस इज डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, दिस इज अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओके। अभी फैक्ट्री कॉस्ट को हम लिखेंगे FC, ओके। चलिए तो प्राइम कॉस्ट प्लस हम यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड। ओवरहेड यानी क्या, एक तरह से आप समझना है इस चीज़ को, अभी इस वर्ड को अभी समझना है शॉर्ट में, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट आप मान सकते हो, एक्स्ट्रा, ओके, ऐसा आप मान सकते हो। तो फैक्ट्री ओवरहेड जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसमें आप डाल दीजिए तो आपको फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाएगी। फैक्ट्री कॉस्ट के बाद एक आती है ऑफिस कॉस्ट, या तो उसका दूसरा नाम है प्रोडक्शन कॉस्ट, ओके। तो वो कैसे मिलती है, तो आपने ऊपर से फैक्ट्री कॉस्ट निकाली और ये फैक्ट्री ओवरहेड है तो उसको हम बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, FOH, ओके। तो फैक्ट्री कॉस्ट में आप क्या कर दीजिए, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एक कंपनी को चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए जो भी खर्चा तो जाएगा ना, पेपर है, प्रिंटर है, कंप्यूटर से, लोगों के सैलरी के लिए जो अकाउंट का जो भी डिटेल रखते हो सारा, वो सब खर्चा तो आने वाला है ना, तो वो भी हमें ऐड करना पड़ेगा ना, वो सब का खर्चा कंपनी निकालेगी कहाँ से, तो प्रोडक्ट में से निकालेगी ना, तो सारा खर्चा प्रोडक्ट के अंदर डालेगी, ठीक है। तो फैक्ट्री को उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड डाल दिया, जिसको शॉर्ट में हम लिखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। और इन दोनों में से हम चूज करने वाले हैं OC, ऑफिस कॉस्ट, या तो इसको PC बोलते हैं, बट हम कौन सा सम के अंदर लेंगे, OC लेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑफिस कॉस्ट से थोड़ा सम करने में आसानी होती है, कन्फ्यूजन कम होता है इसके कारण, ठीक है। ठीक है, अब फाइनली हमारे पास मिलने वाली हमारी टोटल कॉस्ट, ओके, अब फाइनली हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। तो टोटल कॉस्ट कैसे मिलेगी, आपके जो ऑफिस का कॉस्ट निकाला आपने प्लस जो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जो खर्चा होगा, तो वो फाइनल खर्चा होगा हमारा सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आपका जो प्रोडक्ट है उसका जो सेलिंग कर लिए, सेलिंग के लिए भी खर्चा आएगा, सेल्स का खर्चा आएगा, और डिस्ट्रीब्यूशन करवाना पड़ेगा, ट्रक लगेंगे, उसके डीजल लगेगा, वो सब सारा खर्चा इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो ऑफिस कॉस्ट में आपने सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन के नेटवर्क का जो भी खर्चा है वो भी डाल दिया, तो आपका मिल गया टोटल कॉस्ट। अब आपका कोई खर्चा एक्सपेंस बचा नहीं है, तो अब आप क्या करोगे, आप सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग प्राइस निकाल लीजिए, सेलिंग प्राइस बोलो या सेलिंग कॉस्ट, तो सेलिंग प्राइस आप क्या निकालो, TC, इसको हम बोलेंगे TC, टोटल कॉस्ट,
और सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, SND स्पेस छोड़ के OH ऐसा लिखेंगे, ठीक है। ये मेरे नोटेशन है, ऐसा कोई स्टैंडर्ड नोटेशन है नहीं, तो आप टेंशन मत लीजिए, ये मैं अपने हिसाब से इस काम को करता हूँ, ठीक है, अपने हिसाब से करता हूँ, यानी ऐसा कोई आपको गलत नहीं देगा ना, आप टेंशन मत लीजिए। सेलिंग कॉस्ट हम एस से लिखने वाले हैं, तो सेलिंग कॉस्ट कैसे निकलेंगे, तो आपका जो भी टोटल कॉस्ट आया उसमें आप अपना खुद का प्रॉफिट या लॉस तो निकालोगे, लॉस तो कोई नहीं निकालेगा ऑब्वियसली, प्रॉफिट निकालोगे, ठीक है, बट प्रॉफिट या तो लॉस लोगे, ओके। तो यहाँ प्रॉफिट होगा तो प्लस आएगा, लॉस आएगा तो माइनस आएगा, ठीक है। हाँ, बट अभी अभी लॉस को छोड़ो, आपको समझना है तो आप प्रॉफिट ही नहीं, ओके, कंपनी चला रहे हो तो अभी प्रॉफिट में काम कर रहे हो ऐसा मान लीजिए, तो जो टोटल कॉस्ट है प्लस प्रॉफिट अपना निकाल लिया, तो सेलिंग कॉस्ट मिल गई। अब सेलिंग जो प्राइस है वो थोड़ी हम रखते हैं, हम उसके बाद निकालते हैं कैटलॉग, एक कैटलॉग प्राइस रहती है, समझ रहे हो। अब कैटलॉग प्राइस में क्या रहता है, आपका जो भी सेलिंग कॉस्ट रहता है प्लस आप जो भी कस्टमर को डिस्काउंट ऑफर करते हो, अभी आप मार्केट में जाते हो तो नहीं इतना डिस्काउंट डिस्काउंट लिखते हैं, 20% डिस्काउंट, 50%, 60%, 80% तक डिस्काउंट रखते हैं। आप अमेजोन में भी देखना, फ्लिपकार्ट, ये सब सब जो मल्टीनेशनल कंपनी है, ये जो ऑनलाइन कंपनीज है, तो ये सब क्या करती है, जो भी नेटवर्क इतना बड़ा नेटवर्क चलाती है, तो वो लोग क्या लिखते हैं, देखो आप बात लिखा होता है कि ऐसा 4,000 रुपीज़ ओरिजिनल प्राइस लिखा होता है, उसको कट करके फिर बोलते हैं कि आपको आज 1,000 रुपये में मिल रहे हैं। अरे भाई, उसका एक्चुअल उनका सेलिंग कॉस्ट 1,000 रुपये ही होता है, ठीक है, आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, कि आपको लग रहा है कि देखो भाई 4,000 की चीज़ मुझे 1,000 रुपये में मिल रही है ना, आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, कस्टमर को बेवकूफ़ बनाते, आप मतलब उसमें मैं भी आ गया, ठीक है। कस्टमर को एक थोड़ा झांसे में लाने का स्कीम रहता है, कस्टमर के लिए स्कीम्स रहती है ये सब, है ना। तो कैटलॉग प्राइस जो है वो दिखाई जाती है, एक्चुअली कस्टमर को ये दिखाया जाता है और उसको बताया जाता है कि आपको डिस्काउंट मिल रहा है वैसा, ठीक है। तो एक्चुअली तो सेलिंग कॉस्ट में ही बिकता है, आप यानी कंपनी तो अपना प्रॉफिट निकाल ही लेती है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, ये सारी चीज़ आपको सीक्वेंस में याद रखनी है, और तब आप इस सम्स को, इस ये जो तीन सम्स हम करने वाले हैं आज, उसको अब आप कर सकोगे, ठीक है। चलिए, तो ये अगर आपको समझ आएगा तो सम्स फटाफट कर लेते हैं, इतना समझ आ गया है, बट ऐसा जरूरी नहीं कि चलो सम समझ आ गया, सम को किस तरह से करना है ये आपको समझना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन किस तरह से दिया है, किस तरह से सॉल्व करना है, ये सब आपको समझना पड़ता है। देखिए, कैटलॉग प्राइस ऑफ अ मोटर, एक मोटर है जिसका कैटलॉग प्राइस गिवन है, तो यहाँ पे मैं CP लिखूंगा, CP जो है 10,000 रुपीज़ का कैटलॉग प्राइस है। डिस्काउंट देखो डिस्ट्रीब्यूटर को कितना दिया जाता है, तो यहाँ पे मैं डिस्काउंट लिख देता हूँ कि माई डिस्काउंट इज़ 10%, ओके, 10% का मेरा डिस्काउंट है। सेलिंग ओवरहेड है, सेलिंग ओवरहेड यानी कौन सा है, ये जो सेलिंग के लिए जो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो रहता है, SND OH जो मैंने बताया, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, वो 25% है, 25% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट लिखा है, यानी FC फैक्ट्री कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड रेशियो में दिया है 1:4:2। तो मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज टू डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज टू फैक्ट्री ओवरहेड, जो रेशियो गिवन है 1:4:2 का रेशियो गिवन है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट गिवन है यहाँ पे, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 800 रुपये का डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है। यहाँ पे अपने को प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमारा प्रॉफिट क्या रहेगा ईच मोटर का, 4 मार्क्स विंटर 17 का सम है। देखिए किस तरह से सॉल्व करना है, बहुत ही ध्यान से देखिए इस सम को। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे हमारा क्या क्वेश्चन है, DMC जो है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट गिवन है, वो उसका कुछ रेशियो गिवन है। ये रेशियो इसलिए गिवन है कि इसको हम सॉल्व करें बैठ के, देखो 1:4:2, इस रेशियो को सॉल्व करना है ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सर कैसे करें, तो इसका एक शॉर्टकट तरीका है, आप इस मेथड को अप्लाई करिए, आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। आप क्या करिए, आप DMC जो है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो वन है ना, देखो ये पहला तो वन वन है, तो यानी 1 × k, तो k होता है उसको k मान लीजिए, ओके, लेट लिख लेते हैं लेट। फिर जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है उसको आप क्या लीजिए, ये 4 लिखा है ना वहाँ पे, तो आप ले लीजिए उसको 4k, और फैक्ट्री ओवरहेड जो है उसको आप ले लीजिए 2k, ठीक है। ये जो भी गिवन है ना 1, 4 और 2, उसको आप 1k, 4k और 2k ले लीजिए। अभी क्वेश्चन में आप देखिए, क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट गिवन है, देखा। तो और हमने डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को क्या लिया,
डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को लिया है ना हमने, ये वाला देखो, ये रहा हमारा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। तो इसका मतलब हम वापस यहाँ पे एक और बार लिखेंगे कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो हमारा है वो हमने के लिया है, बट क्वेश्चन में दे रखा है ना वो 800 दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पे हमारा के का आंसर आ चुका है, ठीक है। सो अवर के इज इक्वल टू 800, जो हमने के माना था ना एक, अब देखो के लिया है वो 800 आ गया। अब के आ गया तो इसका मतलब हमारा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मिल गया, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या है 4K, तो 4 और के जगह पे 800 लिख देंगे, तो 8 × 4 = 32, तो 3200 रुपीज़ का डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ गया। और जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो है 2K, तो 2 × 800 हो जाएगा, यानी 1600 रुपये का हमारा फैक्ट्री ओवरहेड आ गया, ठीक है। और दूसरा अभी चलो अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले प्राइम कॉस्ट निकालेंगे। प्राइम कॉस्ट, तो प्राइम कॉस्ट मतलब क्या आएगा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल और प्लस एक्स्ट्रा ओवर जो एक्स्ट्रा अदर एक्सपेंसेस, अदर डायरेक्ट लेबर, सॉरी अदर डायरेक्ट कॉस्ट जो होती है वो तो गिवन है नहीं, तो बस खाली इतना गिवन है। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितनी है हमारी, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हमारे पास है 800 रुपये, ओके दिस इज 800, यहाँ पे रुपीस लिख देता हूँ बराबर, 800 रुपीस डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट देखिए 3200 निकाली हमने, तो 3200, सो 4000 रुपये का हमारा प्राइम कॉस्ट आया, ठीक है। अब प्राइम कॉस्ट में हम क्या करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड निकालते हैं, तो इसके बाद हम निकालेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड जो कॉस्ट होती है वो देखो ये गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन में, हमने अभी अभी निकाल ली है, तो 1600 रुपीज़ का फैक्ट्री ओवरहेड है। अभी प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट निकालोगे, देखिए इसीलिए मैंने यहाँ पे ब्लू पेन से निकाला क्योंकि वो ओवरहेड है। फैक्ट्री कॉस्ट क्या आएगी, तो फैक्ट्री कॉस्ट आएगा जो प्राइम कॉस्ट में, आपका क्या करिए ये जो फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट है वो ऐड कर दीजिए, तो प्राइम कॉस्ट कितनी हमारी 4000 रुपये, उसमें फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो आपकी कितनी आ जाती है ये फैक्ट्री कॉस्ट 5600 रुपीज़। अब फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर आप क्या करते हो, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऐड करते हो, याद करो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है ना, तो वो तो यहाँ पे गिवन नहीं है, तो वो वाला पार्ट हम नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो ऑफिस कॉस्ट निकालते हैं हम, ऑफिस कॉस्ट क्या निकालते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को ऐड करके निकालते हैं, तो ये वाला पार्ट मिसिंग है क्योंकि क्वेश्चन में कुछ दे नहीं रखा, तो ये वाला पार्ट हम स्किप करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट हम सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट करेंगे। अभी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन में एक दे रखा है, देखो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का क्या क्वेश्चन में दे रखा है, ये रहा सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो है 25% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट है। अभी फैक्ट्री कॉस्ट तो हमारे पास आ गई है ना, तो फैक्ट्री कॉस्ट आ गई है, ये थोड़ा ये मिट गया 5600, तो यहाँ से हम क्या करेंगे एक और ओवरहेड निकालेंगे, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो 25% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, ये क्वेश्चन में दे रखा है, ये हमने मन से नहीं लिया, ठीक है। तो 25% यानी 0.25 कर देंगे, और 25% किसका 5600 का, तो 5600 जो है उसका इंटू 0.25 करेंगे, तो 1400 रुपीज़ का हमारा सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ओवरहेड आ गया। तो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन आप करते हो तो आपका आपका क्या आता है, टोटल कॉस्ट आ जाता है, आप टोटल कॉस्ट निकाल लीजिए, तो टोटल कॉस्ट हमारा क्या आ गया अभी के लिए, फैक्ट्री कॉस्ट प्लस हमारा सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट डाल देते हैं, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। यहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा, यहाँ पे एज्यूमिंग करेंगे कि जो हमारा ऑफिस कॉस्ट है, ओके सॉरी ऑफिस कॉस्ट नहीं, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है इक्वल टू हमने 0 माना है, ओके ठीक है। तो ये है, और दूसरा एक चीज़ आप ये भी लिख सकते हो कि जो ऑफिस कॉस्ट है इक्वल टू हमने फैक्ट्री कॉस्ट मान लिया है, ओके। तो एक्चुअली क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है ना ये है, टोटल कॉस्ट क्या आता है, ऑफिस कॉस्ट प्लस प्लस सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो हमने FC इतना पार्ट कर लेते, चलो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे यार, फिर बोले सर आप ब्रैकेट ब्रैकेट में लिख दिया आपने, है ना, आप सही से नहीं बताया आपने, तो ठीक है चलो मैं सही से बता देता हूँ। इसके बाद क्या आता है, जो पहले मैं यहाँ लिखना चाहूँगा कि एज्यूमिंग जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी ओवरहेड है उसको हमने अभी 0 मान लिया है, ठीक है। इससे जो हमारा ऑफिस कॉस्ट निकलता है
वो फैक्ट्री कॉस्ट के बराबर निकलता है, ठीक है। तो ख़त्म ना, तो फैक्ट्री कॉस्ट इक्वल टू क्या आ गया, ऑफिस कॉस्ट वही फैक्ट्री कॉस्ट है, यानी 5600 रुपीज़। अब हमारा हम नेक्स्ट फार्मूला क्या लगाएंगे, टोटल कॉस्ट का। तो टोटल कॉस्ट क्या रहता है, ऑफिस कॉस्ट प्लस जो भी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का रहता है, वो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो ऑफिस कॉस्ट हमारा है 5600 रुपीज़, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में लग गया हमारा 1400 रुपीज़, तो 7000 रुपये हमारा टोटल कॉस्ट आ गया, ठीक है। 7000 टोटल कॉस्ट आ गया। अब आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं थोड़ा, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सीपी और डिस्काउंट दे रखा है, ठीक है। तो अगर इसको मैं थोड़ा, आप नीचे ही करना बराबर, मैं थोड़ा साइड पे करो, आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ आए इसके कारण। तो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस आपको कैसे मिलेगी, आप अपने सीपी में से डिस्काउंट और माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है, 10000 है, 10000 का कॉस्ट प्राइस है, और डिस्काउंट कितना है, 10%। अब 10% यानी परसेंटेज हटा देंगे तो डिवाइड बाय 100 लिखेंगे। किस पे डिस्काउंट देंगे, सीपी पे ना, कैटलॉग प्राइस पे 10000, तो 10000 यहाँ पे लिख देंगे, और ये 0 0 कट हो जाएंगे, 1 2 और 1 2000, यानी 1000 रुपये कम हो जाएंगे, 10000 माइनस 1000, तो 9000 रुपीज़ का हमारा सेलिंग प्राइस आया है। तो ऑब्वियसली आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो कि प्रॉफिट इक्वल टू जो भी हमारा सेलिंग प्राइस आया उसमें से हम टोटल कॉस्ट माइनस कर देंगे, ठीक है। प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट कितना आया हमारा, सॉरी सेलिंग प्राइस कितना आया, 9000 रुपीज़, और टोटल कॉस्ट हमने कितनी निकाल के रखी है, 7000 रुपीज़ निकाल के रखी है, ठीक है। 7000 का टोटल कॉस्ट हमने निकाल के रखा है, तो यहाँ पे डाल देंगे 7000, ठीक है। सो इसका मतलब कि 2000 रुपीज़ का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट आ चुका है, ठीक है। तो ये सम हमारा कंप्लीट हो चुका है, दिस इज अवर आंसर, ओके। तो आई होप कि आपको ये सम समझ आ गया है। चलिए नेक्स्ट सम हम सॉल्व करेंगे, सेकंड जो सम है 14 नंबर वाला, वो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन देखिए, फर्म प्रोड्यूसेस 100 पेन्स पर डे, तो जो नंबर ऑफ पेन प्रोड्यूस पर डे कितना है, नंबर ऑफ पेन्स, तो हम लिख देते हैं नंबर ऑफ पेन्स प्रोड्यूस्ड पर डे इक्वल टू 100 पेन्स, ओके। तो 100 पेन एक कंपनी प्रोड्यूस करती है। मटेरियल कॉस्ट जो है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट लिख देते हैं 150 रुपीज़। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी गिवन है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इससे हमारा प्राइम कॉस्ट आ जाएगा, समझ रहे हो आप लोग। एंड फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, देखिए यहाँ पे ध्यान से ये क्वेश्चन समझने वाली बात है, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट लिखा है। देखिए ये ऑन नाम का वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, ऑन, ठीक है, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट। ऑन कॉस्ट का मतलब क्या आ जाता है, इसका मतलब फिर आ जाता है फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, समझ रही है। जो ऑन लिखा है ना, उसका मतलब फिर आपको आप इसको फैक्ट्री कॉस्ट मत मान लेना, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बच्चे क्या कर लेते हैं कि उनको लगता है फैक्ट्री, ये ऑन नहीं पढ़ते, फैक्ट्री कॉस्ट लिखी है, तो फैक्ट्री कॉस्ट इसी को मान के सम को सॉल्व कर देंगे और फिर आंसर गलत आ जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना यहाँ पे, ठीक है, इसमें ये जाल में मत फंसना, इनकी जाल में मत फंसना आप, ठीक है, समझदार बच्चे हो आप। तो फैक्ट्री ऑन कॉस्ट है, इसका मतलब यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड जो है 240 रुपये गिवन है। और सेलिंग देखिए, ये भी देखिए, सेलिंग ऑन कॉस्ट है, यानी दिस इज सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये ओवरहेड ही है जो है 40% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, ऑफ लिखना रह गया। व्हाट मस्ट बी द प्राइस ऑफ ईच पैंट टू रिलीज द प्रॉफिट ऑफ 10% ऑफ सेलिंग प्राइस, सो प्रॉफिट हमें कितना निकालना है, 10% ऑफ SP निकालना है। तो क्या रखेंगे हम, पेन का प्राइस क्या रखेंगे, 10%, तो टोटल कॉस्ट हमें निकालनी है यहाँ पे, ओके।
डिस्काउंट विस्काउंट की बात नहीं की, यानी कैटलॉग प्राइस निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट टोटल कॉस्ट तक हमें पहुंचना है वन बाय वन। तो देखिए सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, प्राइम कॉस्ट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो प्राइम कॉस्ट आप निकाल सकते हो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट निकाल लीजिए। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है 150 रुपये, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 200 रुपये, तो 350 रुपये का आपका प्राइम कॉस्ट आ गया ना। फिर प्राइम कॉस्ट के बाद क्या आता है, फैक्ट्री ओवरहेड आता है कि नहीं, फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना गिवन है, 240 रुपये फैक्ट्री ओवरहेड गिवन है। तो इसके बाद आपका आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। तो फैक्ट्री कॉस्ट कैसे आएगा, पीसी प्लस फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। तो आप निकालिए प्राइम कॉस्ट कितना है, 350 का प्राइम कॉस्ट है, फैक्ट्री ओवरहेड 240 रुपये का, तो 09, तो 590 रुपये का फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। फैक्ट्री कॉस्ट के बाद कौन सा कॉस्ट आता है भाई, आप याद करिए, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद आता है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, उसको हम 0 रुपीज़ मान लेंगे, ठीक है। तो ऑफिस कॉस्ट कितना आएगा, फैक्ट्री कॉस्ट जितना आएगा, ठीक है। इसका मतलब फैक्ट्री कॉस्ट कितना है, 590 रुपीज़। तो ये वाला पार्ट भी हो गया हमारा। इसके बाद हमें हमारा सीधा सीधा टोटल कॉस्ट आ जाएगा, बट टोटल कॉस्ट के लिए हमारे पास सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होना चाहिए। तो वो गिवन है क्वेश्चन में, सेल वो जो है 40% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट है, यानी 0.4 इंटू जो फैक्ट्री कॉस्ट कितनी आई, 590 आई, ठीक है। तो 0.4 इंटू 590 करके देख लेते हैं, तो 236 रुपीज़ का हमारा सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ओवरहेड आया, ठीक है। तो अब मिल जाएगी हमारी टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट निकलेगी हमारी जो भी ऑफिस कॉस्ट है प्लस सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो ओवरहेड है वो। तो ऑफिस कॉस्ट कितना है हमारा, 590 रुपीज़। यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ मैं, है ना, जगह बचाने के लिए, अभी जगह और टाइम भी बच जाएगा ना इसलिए। तो 590 रुपीज़ ऐड कर दीजिए, 826 रुपीज़ का हमारा टोटल कॉस्ट आ गया। तो टोटल कॉस्ट आ गया है, तो आपको कितना प्रॉफिट बनाना है, देखो क्वेश्चन में बोला है ना, ठीक है, 10% ऑफ सेलिंग प्राइस लेना है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अपने को, लेट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सम आप शांति से करिए, लेट करिए, लेट जो सेलिंग प्राइस है, लेट सेलिंग प्राइस ऑफ 100 पेंस बी एक्स, उसको एक्स रुपीस का आप सेलिंग प्राइस मानिए। अभी आपको आपको सेलिंग प्राइस निकालना है ना, आप सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हो, आप टोटल कॉस्ट में आप अपना प्रॉफिट डाल देते हो, है कि नहीं, आप प्रॉफिट डाल दो ना, आप कुछ नहीं, आप अपना फॉर्मूला डालो, आप अपना काम करिए, ठीक है। आपका जो आंसर है ऑटोमेटिक आता जाएगा। देखो सेलिंग प्राइस हमने एक्स मान ली, तो यहाँ एक्स लिख दिए। टोटल कॉस्ट कितना आया, 826 रुपीज़। अब प्रॉफिट कितना लेना है, 10% ऑफ सेलिंग प्राइस लेना है कि नहीं, ये बोला है, तो वो आप काम करिए, देखिए ऑटोमेटिक आ गया 826 प्लस 10%। 10% यानी कितना होता है, 0.1 होता है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस x है, तो x है माइनस ये जो 0.1x LHS में आ जाएगा, भेज दीजिए LHS में। तो उसके बाद ये आ जाएगा 0.9x इक्वल टू 826। तो यहाँ से x आ गया है हमारा 826 डिवाइड बाय 0.9 चला जाएगा, और हमारा x जो सेलिंग प्राइस है पेन का 826 डिवाइड बाय 0.9, तो देखिए 917.77 रुपीज़ का सेलिंग प्राइस आया है, ठीक है। तो ये सेलिंग प्राइस ऑफ 100 पेन है, समझ रहे हो आप लोग, सेलिंग प्राइस ऑफ 100 पेन है। सो हम क्या करेंगे, सेलिंग SP ऑफ पर पेन, देखिए पहले देख लेते हैं कि पर पेन निकालना है कि नहीं निकालना, क्वेश्चन में देखना पड़ेगा ना कि क्या करना है। हाँ, ईच पेन बोला है, ईच पेन यानी हर एक पेन का, तो 100 पेन का प्राइस नहीं निकालना हमें, एक पेन का प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ वन पेन इक्वल टू क्या करेंगे, जो सेलिंग प्राइस ऑफ 100 पेन है 917.77 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ पेन, तो टोटल नंबर ऑफ पेन कितनी 100, तो 9.17 रुपीज़ का हमारा एक पेन का कॉस्ट सेलिंग प्राइस पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है।
है ना। तो देखिए ये सब समझ आया आपको किस तरह से प्रोसीजर करना है। ये लास्ट वाला पार्ट है, थोड़ा संभल के करना आप, ठीक है। चलिए अब लास्ट सम बाकी है आज के वीडियो का, सम नंबर 15 है। देखिए मार्केट प्राइस है पैटर्न का 300 रुपीज़ है। अब मार्केट प्राइस यानी ये हमारा कैटलॉग प्राइस है, ठीक है। मार्केट प्राइस बोलो यानी मार्केट में ये भाव चलता है, यानी मार्केट में जाओगे तो कैटलॉग में उनका यही प्राइस आपको देखने मिलेगा। डिस्काउंट ऑफर किया है नील, तो यहाँ पे डिस्काउंट कुछ भी गिवन नहीं है। डिस्काउंट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो हमारा सेलिंग प्राइस है उसमें आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिल, यानी सेलिंग कैटलॉग प्राइस में आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है, यानी वही हमारा सेलिंग प्राइस होगा। यानी सेलिंग प्राइस हमारा 300 रुपये होने वाला है। मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट जो है वो प्रपोर्शन में है, तो यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट ओवरहेड जो होता है वो 1:2:3 रेशियो में गिवन है। लेबर कॉस्ट गिवन है, यानी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट गिवन है 60 रुपीज़ का है, और हमें प्रॉफिट पर पैटर्न फाइंड करना है। तो हम क्या का फाइंड करने वाले हैं, प्रॉफिट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो रेशियो वाला पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज टू डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज टू डायरेक्ट ओवरहेड जो है इक्वल टू 1:2:3 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला था आप क्या करिए, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को 1:1 है तो 1K ले लीजिए, तो K ले लेंगे। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को हम ले लेंगे 2K, और डायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट को हम लेने वाले हैं 3K। ओके अभी क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है, आप देखो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट गिवन है कि नहीं, ये रहा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और हमारा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ये रहा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट रखेंगे, तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो हमारा है वो है 2K, और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्वेश्चन वालों ने दिया है यानी न्यूमेरिकल जिसने भी दिया है उसने 60 रुपीज़ दे रखा है, तो यहाँ से हमारा K आ जाएगा 60 डिवाइड बाई 2, दैट इज 30। तो 30 का जो हमारा K आ गया है, और K आने से हमारा क्या क्या मिल जाएगा, देखिए एक तो DMC मिल जाएगा, DOH मिल जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट फाइंड करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो हमने K ले रखा है यानी 30 रुपीज़ का डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आ जाएगा। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट तो हमारे पास 60 रुपीज़ है, वो तो क्वेश्चन में दे रखा है, और जो डायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट है जो 3K है, यानी 3:30 यानी 90 रुपीज़ का डायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। अब तो देखिए अब एक भी ओवरहेड दिया नहीं है, तो सीधा सीधा मतलब है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसके बाद जो हम क्या लेते थे, फैक्ट्री ओवरहेड लेते थे, ओके प्राइम कॉस्ट के बाद, ठीक है। सबसे पहले हम प्राइम कॉस्ट निकाल लेते हैं, तो प्राइम कॉस्ट क्या आ जाएगा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस डायरेक्ट सॉरी मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट प्लस जो डायरेक्ट ओवरहेड है वो। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हमारा क्या है, 30 रुपीज़ का है, मटेरियल कॉस्ट सॉरी 60 रुपीज़ है ना, देखिए उल्टा लिख दिया ना, इसलिए 60, मटेरियल कॉस्ट है 30 और ओवरहेड है 90, ओके सो 180 रुपीज़ का हमारा प्राइम कॉस्ट आ गया। इसके बाद जो ओवरहेड लेना था, जो फैक्ट्री ओवरहेड है उसको हम 0 ले लेंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा इक्वल टू प्राइम कॉस्ट, ठीक है। फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा 180 रुपीज़। इसके बाद ऑफिस कॉस्ट के लिए हम क्या करते थे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड मानते थे, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है वो भी हमने 0 मान लिया, इसका मतलब ऑफिस कॉस्ट हमने क्या ले ली, फैक्ट्री कॉस्ट के बराबर, यानी ये भी 180 रुपीज़ हो गया। उसके बाद सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला भी नहीं दिया, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो ओवरहेड रहता है वो भी हम 0 मान लेंगे, इसका मतलब हमारा जो टोटल कॉस्ट है वो ऑफिस कॉस्ट जितना जा जाएगा, यानी 180 रुपीज़ होने वाला है टोटल कॉस्ट भी, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट के बाद जो हमारा टोटल कॉस्ट है, प्रॉफिट कितना निकालना है अपने को, हाँ वही तो है, प्रॉफिट कितना निकालेंगे। CP हम 300 रुपये में बेच रहे हैं, सेलिंग प्राइस हमारा 300 रुपीज़ है, यहाँ पे हमारा पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, SP 300 रुपीज़ दे रखा है, ओके। तो फिर आप प्रॉफिट कितना निकाल लोगे, तो प्रॉफिट आप निकाल लाओगे जो आप जो सेलिंग प्राइस बेच रहे हो वो, और आपको जो टोटल कॉस्ट पड़ रहा है वो, तो 300 माइनस आप 180 कर लो, तो आपका 120 रुपीज़ का प्रॉफिट मिल जाएगा, समझ रहे हो, ठीक है। बस लॉजिक सम है, तो लॉजिक है और कुछ नहीं है, ये लास्ट वाला सम तो लॉजिक ही था,
बिंदास हमारा इस सम का आंसर आ चुका है 120 रुपीज़। ओके, आई होप कि आपको ये सम समझ आ गया है ना, और कोई डाउट नहीं है। तो ये सम है, इस तरह से कुछ आ सकता है। ये तीनों सम देखिए मैंने आज सॉल्व करा दिए चैप्टर वन के। इसके बाद जो नेक्स्ट सम हम कराने वाले हैं डेप्रिसिएशन वाले जो सम है, जो 2021, 2022, 2023, नेक्स्ट वीडियो में ये चारों सम्स में आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आया है, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आपको लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए, और उन्हें भी ECC में अच्छे खासे स्कोर करने का मौका दीजिए। तो चलिए, फर्स्ट वीडियो आज हमारा कंप्लीट हो चुका है, और जो भी वेट कर रहे थे ECC के सम्स कराइए, ECC के सम्स कराइए सर, जो भी स्टूडेंट्स ये बार बार मुझे कमेंट से बता रहे थे, तो उनका ये जो वेटिंग पीरियड आज खत्म होता है। पहले चैप्टर का ये सम आ चुका है, पहला वीडियो बन चुका है, अब बैक टू बैक एक के बाद एक वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।